नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी AGTE की तैयारी में जुट गए होंगे। सबसे पहले मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है न्यू अकेडमी परिवार को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जिस विश्वास के साथ इस परिवार में जुड़े हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस विश्वास को कायम रखें। एक बात और मित्र, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को AGTE का पूरा सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने तैयारी को आप एक बेहतर दिशा में ले जा सकें। और एक चीज है मित्र, कि आप लोग अभी से ही इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा और इसकी परीक्षा बहुत जल्द ही होगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, मान चलिए 1.5 से 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। उनका पूरा प्रयास है कि इसी साल के अंत तक जो है एग्जाम को करा लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग देर ना करते हुए इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। चैनल पे हमारे जो है हर एक जो है सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे आपका जो है हिंदी का है, हिंदी में वो सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं जो कि ज्यादातर रटने वाले हैं, और आप उस वीडियो को आप जाके वहां पे देखेंगे तो आपको एक दिशा मिलेगी, एक आपको समझ विकसित होगी। जैसे उसमें आप देखेंगे कि अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको एक साथ पढ़ने की जरूरत होती है, एक साथ लिखने की जरूरत होती है, तो उनको एक साथ पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। बुक में तो आपको मिल जाएगा, हो सकता है आप पढ़े लेकिन आपको भूल जाए, ठीक है। आप लोग वहां पे देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज आइए, हम लोग आज किस लिए वीडियो बना रहे हैं, आज ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि हमको अपनी जो है रणनीति क्या रखनी है, किस विषय पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, AGTE में केवल एग्रीकल्चर वाले होंगे और इसमें पोस्ट जो है AGTE में इस बार 3267 पोस्ट है। तो आप लोग जो है एक रणनीति के तहत जो है जब तैयारी करेंगे, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जो है उसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम उसको शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि UP SSSC AGTE 2022 का जो है 2022 में जो है परीक्षा कार्यक्रम क्या रह सकता है। पिछली बार क्या हुआ था, 2018 में यही पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ था। क्या था इसमें, हिंदी जो है आपकी 50 क्वेश्चन थे जो कि कितने अंक का था, 100 अंक का। रीजनिंग क्या था, रीजनिंग 50 क्वेश्चन जो है 100 अंकों का था। फिर आता था मैथ और साइंस, दोनों मिला के जो है 50 अंक थे। और पिछली बार क्या किया गया था, 25-25 क्वेश्चन दोनों पार्ट से पूछे गए थे। और फिर पिछली बार जो है समान अध्ययन करके देवल, उसमें जो सिलेबस में आप देखेंगे तो समान अध्ययन लिखा हुआ था 50 अंक का, लेकिन उसमें पूछा क्या, 25 आपका एग्रीकल्चर पूछा और 25 क्वेश्चन में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, UP GK और जो है करंट अफेयर, इतना पार्ट जो है 25 क्वेश्चन में पूछा और 25 नंबर का 25 क्वेश्चन केवल एग्रीकल्चर का पूछा, ठीक है। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछा और 100 का। तो ये पूरा पाठ्यक्रम था पिछली बार का। 200 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 घंटा समय दिया हुआ था, ठीक है, और जो है 400 का पूरा पेपर था। ये था इस बार जो है हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो, 25-25 क्वेश्चन कर दें, तो उस बात पे अभी हम नहीं जाते हैं। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, जितना आपका सिलेबस है उतना ही सिलेबस रहेगा। हिंदी के जो टॉपिक है वही टॉपिक रहने वाले हैं, चाहे वो क्वेश्चन 50 कर दे, 25 कर दे, 100 कर दे, तो उस पे हमें नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन कर देगा तो हमको कम पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना तो उतना है ना, तो हम क्वेश्चन पे क्यों जाए। जब सिलेबस आ जाएगा, पूरा पाठ्यक्रम क्लियर हो जाएगा, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे कि क्या है। तो आप जो है सिलेबस पहले कवर करिए ना, तब जाइए क्वेश्चन पे। तो ये हो गया। एक हमारे मित्र हैं अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी का एक कमेंट आया हुआ था कि सर जो है एज बता दीजिए कि इसमें AGTE में एज कितनी होगी। तो एज भैया जो है इसमें 21 से लेके 40 साल रखी गई है और आप जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो हो गया एज को। एक मित्र थे हमारे जो है सिलेबस पूछ रहे थे, राजकुमार सिंह उनका नाम है। तो सिलेबस जो है हमारे न्यू अकेडमी जो ऑफिशियल हमारा
टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं पिछली बार का कट ऑफ क्या था, 2018 में जो है कट ऑफ क्या रखा गया था। ठीक है, तो 2018 का जो कट ऑफ फाइनली गया था उसमें जनरल का जो है 138 क्वेश्चन गया हुआ था, ओबीसी का जो है 134 अंक जो है था, ये अंक है क्वेश्चन इधर आएगा, एससी का 102 अंक और एसटी का 34, महिला का 80 अंक और दिव्यांगजन का 46। दिव्यांग में कई आते हैं तो कट ऑफ उनका अलग अलग बनता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 200 में 200 क्वेश्चन में है ये 200 क्वेश्चन में जनरल का पिछली बार जो है कट ऑफ गया 69 क्वेश्चन की बार। अगर आप परसेंट में निकालेंगे तो ये 35% आता है। ठीक है, ओबीसी में आएंगे आप तो जो है 67 क्वेश्चन गया, ये लगभग आपका बनेगा 34%। ठीक है, फिर ऐसे आप निकालेंगे एससी में 25% गया, ठीक है 25-26% ये हुआ, और एसटी का केवल 8% है, 9% गया है, 17 क्वेश्चन गया है, अगर आप निकालेंगे तो 8.5% आएगा, तो हम 9 मान लेते हैं, 9% गया, और महिला का वही देखेंगे तो आप 20% केवल गया, 40 क्वेश्चन मतलब 20%, 200 का था। ठीक है, 200 क्वेश्चन में, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको कितना जो है मेहनत करने की जरूरत है। एजीटीए में केवल एग्रीकल्चर वाले रहेंगे, तो आप ये भी मान के चलिए जो सामान्य पेपर होते हैं जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इसमें कितने सारे लोग होते हैं समान, इसमें सारे ग्रेजुएट रहते हैं, तो कट ऑफ कितनी जाती है, इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले रहेंगे तो उन सब से जो है कट ऑफ जाहिर सी बात है कम रहेगी। हमको बस मेहनत करने की जरूरत है, एक सही दिशा में लगातार मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि कट ऑफ कम गया है तो हम अपनी मेहनत कम करेंगे, हम मेहनत उतना ही करेंगे जितना जो है लोग वीडियो के लिए करते हैं, जितना कट ऑफ उसमें जाता है हम उतना टारगेट लेके चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखे हैं टारगेट, अपना जो है हमारा टारगेट क्या होगा, हम जो है हमारा फोकस किस पे होगा, कितना क्वेश्चन, हिंदी में आएगा आपका 50 क्वेश्चन, तो जितना हिंदी आपको कराया गया है उतना आप कर लीजिए, आने वाले समय में आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द ही वो सिलेबस आपको कराया जाएगा, आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी करेंगे तो आप 40 क्वेश्चन मान के चलिए कम से कम करके आएंगे 40 क्वेश्चन, और जब एग्जाम हो जाएगा तो आप देखेंगे हम लोग यहीं से जिस इसी वीडियो में से जो है स्क्रीन शॉट लेके लगाएंगे, देखेंगे दिखाएंगे आपको कि सीधा सीधा जो है क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिला हुआ है, तो आप जो है विश्वास के साथ इसे जुड़िए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, जिससे आपके लिए एक सीट पक्की हो सके, आपको एक सीट मिल सके और आपके परिवार में एक खुशी आ सके, तब आप खुद ही जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया, उस दिन आपके लिए और हमारे लिए आपके मम्मी पापा के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा, उस दिन का जो है वो दिन दूर नहीं जब वो दिन बहुत जल्द आपको 2023 में फाइनली रिजल्ट के बाद मिलने वाला है, तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। हमारा हिंदी में टारगेट होगा 40, रीजनिंग में अपना टारगेट हम लेके चल रहे हैं 35-40 क्वेश्चन, जितना आपको रीजनिंग कराया जा रहा है आप उतना करिए, उसके साथ एक काम और करिए कि कोई एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, घटना चक्र की आती है जो है आप ले सकते हैं, यूथ की ले सकते हैं, उसमें जो है प्रीवियस ईयर को लगाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसमें आप खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आप वीडियो देख लिए तो आपका आ गया, आपको खुद जो है निरंतर उसमें प्रयास करना पड़ेगा, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे डेली 1-1.5 घंटा उसके लिए देंगे रीजनिंग के लिए, तो आपका 35-40 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। सर जो करा रहे हैं वो आपका एक व्यू है, वो बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे अपना दिमाग को सोच सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन को कर सके, तो 35-40 क्वेश्चन आप यहां से आराम से कर लेंगे, तो ये हमारा टारगेट है। और फिर आता है मैथ और साइंस की बात, हम जानते हैं कि जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं वो हाई स्कूल से ही जो है 9th से एग्रीकल्चर पढ़ने लगते हैं, तो मैथ और साइंस उनका थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको वो सिलेक्टिव जो है चैप्टर कराए जाएंगे जिससे आप कम से कम मैथ में जो है 10 क्वेश्चन और साइंस में 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे।
अर्थात आप यहां से कम 25 क्वेश्चन, तो कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 25 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एनालिसिस करके यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर को एनालिसिस करके आपको चैप्टर बताएंगे और इतने आसान आसान तरीके से बताएंगे कि आप आराम से वहां से कर पाएंगे। तो हमारा मैथ साइंस में कितना कम हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर आता है समान अध्ययन। समान अध्ययन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जो है आपका हो जाएगा इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र करंट अफेयर, इसमें पूरा मिला के बहुत लंबा हो जाता है ये, और एग्रीकल्चर 25 आएगा। तो यहां से हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हम लोग हैं, तो वहां से हम लोग जो है कम से कम 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से निकाल लेंगे, और इतिहास भूगोल में आपको इतना जो है करा दिया जाएगा कि आप वहां से 10 क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो 20 क्वेश्चन आपका यहां हो जाएगा। तो हमारा टारगेट जो हो जा रहा है, हम टारगेट जो लेके चल रहे हैं 120 क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम जो है जितना कट ऑफ जाता है वीडियो में ये सब उतना हम टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन इतना नहीं जाएगा वो कम, ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे कट ऑफ जाएगी इस बार तो जो है 100 से लेके 110 जाएगी, ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, 100 से 110 क्वेश्चन जाएगी और हमारा टारगेट 120 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए और जो है एक सीट अपनी पक्की करिए। अंत में इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग विश्वास से इस पे जुड़िए और जो है वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से देखिए। अगर जो मित्र प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए एक जो है एक वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो बना दिया जाएगा कि आप प्लेलिस्ट कैसे देख सकते हैं, उसको डाल दिया जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को देख पाएंगे, ठीक है मित्र। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।